Assalamu alaikum, it's me Fakhzera Okeli and welcome back to my channel. Today is 12th Roza and अच्छा जा रहा है अलहमदिल्ला। मैंने अब काम कर लिया, आज सैटरडे तो कल मैंने आराम किया था। लाइट अभी क्यों गई है, लाइट अभी उसको नहीं जाना था, लाइट चली गई है। अभी तो आई थी और अभी चली गई है। अपने 4 बजे जाती है, अभी पर चार हुए ही नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा गैस का मसला होता है सुबह को, तो आज गैस भी थोड़ा सा जल्दी गई थी उससे तरीको नया। सो यस, तो आज रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। सो या आज हम शायद कुछ लाइट करेंगे इफ्तार में, बिकॉज रेस्ट वगैरह किया था। सो वेल इसी अब तो मैं ऐसे बैठी हुई थी और अपने थोड़ा सा काम किया, मैं एडिटिंग कंप्लीट की। सो और आज जो है यौम पाकिस्तान है एंड 23 मार्च। सो आप सबको मुबारक हो एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड यू नो पाकिस्तान का जो भी दिन आता है ना उसकी फीलिंग ही अलग होती है। सो यस, इट्स यौम पाकिस्तान। लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट आप मिस ना कर पाओ। And edit me on Snapchat. Don't forget to follow me on Instagram. I have 3 Instagram accounts. Links are in the description. Mil jayegi, so go and follow me there. And don't forget to follow me on Twitter. Subscribe. आप आलू वाले बना रही हैं सारे? और यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, लाइट अभी नहीं आई है, so we'll do this. इफ्तार टुडे लाइट होगा बहुत। तो आज यौमे पाकिस्तान है तो कैसे? और यहाँ पे फ्रूट चाट है। ओ ये दही बड़े कहाँ से आए? बड़े कहाँ से आए? तो उठा दें। What is this behavior? Oh my gosh! तो सी उठा दे? ना। कितना है? खाया ही नहीं, तो कितना है? लगे दुकान पे। इडिया थोड़े टाइम में। उसने बनाए? It was a really surprise. I don't know about this. So yeah, दही बड़े। We will miss Gulbahar and this tank. Okay, and here is a food chart and this is a food chart saman. इफ्तारी है ये हमारे पप्पू के घर से। सो यस इफ्तारी, तो क्या ये मैं आपको दिखाती हूँ। और या हमने सोचा था आज अपना नहीं बनाएंगे, बट यू नो अल्लाह वक्त देता है, सबको खिलाता है रमज़ान में, तो बहुत ज़्यादा होता है खाने के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए एंड सेंडिंग इफ्तारी टू द जिसको नीड है इफ्तारी की। वो आप राशन के ज़रिए आप उसको राशन दे सकते हैं या तो आप इफ्तारी भेजें, कैसे भी करके आप अल्लाह की मखलूक के लिए थोड़ी सी आप मदद कर लें। दैट्स इट। तो जी ये है सेवैया, दही बड़े, ये है चने, मिठाइयाँ, ये है बॉक्स पैटिंग्स पप्पू के घर से आई हैं, ये भी ये हम तलेंगे आज। और ये समोसे हैं रोल, ये यहाँ से चढ़ा है। और ये देखो पाकिस्तान, यो में पाकिस्तान, तो सारे ये सारा का सारा उसने डाल दिया है। इसने कहा था रोल नहीं बना रही, इस फिर ये बना रही है, रोल है, समोसे है और ये पेटी। हमारी बारी आ गई मिक्स करने की, मिक्स करेंगे। ये शुभियान कुर्सी पे बैठा था, अब वो पढ़ना है, इसका ख्याल रखना होता है। और इसके बाद नमाज पढ़नी है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा ब्लॉग बना है, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा सो वो आपने देख लिया होगा आई थिंक, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। सो या कल मैंने अपने रेस्टोरेंट को इफ्तारी भेजी थी, सो अब जो है हम मैं कुछ और यू नो इस प्रोसेस में हूँ, किसी प्रोसेस में हूँ एंड अगर वो हो जाता है तब तो आपको मिलेगा बहुत जल्द। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट। तो इट्स मार्च राइट नाउ, तो अप्रैल में मैं फ्री हो जाऊँगी। बेटा ऊपर नहीं आने का, चलो तो अप्रैल में हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर रही सही ज़िंदगी, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अदरवाइज़ फिर देखेंगे, ठीक है ना। सो यस लास्ट ईयर।
अभी इसको मिक्स कर दें, नमाज पढ़ी हमारी देर हो रही है, पाकिस्तान के अंदर नहीं हमें पाकिस्तान एंड प्राउड ऑफ पाकिस्तान इज ऑलवेज आई एम वेरी प्राउड। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग थोड़े हैं बट पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सो या अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते रहें, टू रिमेंबर फलस्तीन एंड गजा एंड कश्मीर इन योर प्रेयर्स, और जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं उसके लिए दुआ करें एंड पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें और उन्हें जल्द से जल्द आज़ादी दें। आमीन सुम्मा आमीन। एंड डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स। दैट्स ऑल आई वांट टू से। स्प्रेड द लव, स्प्रेड द हैप्पीनेस, स्प्रेड द जॉय एंड लाफ्टर एंड द इफ्तारी टू एवरीवन, राइट? या बेटा दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। रोज़ा लगवा था, इस पकौड़े भी बन रहे हैं। मैंने कहा था आज कम इफ्तारी बनेगी, उतना ही ज़्यादा होगी माशाल्लाह। मुबारक मेहमान आए हैं इस वजह से भी एंड खैर। और ये एज यूजुअल इसका लेट होता है, लेट लगती और उसका रोज़ा लगा है, जिस वजह से जो है ना आज दिमाग इसका सही ठिकाने का काम नहीं कर रहा उसका। खैर वो अभी सो रहा है और मैं फ्री हो गई हूँ, ये भी चीज़ है, देख सकते हो ये अच्छा चल रहा है रोज़ा, बार बार रोज़ा है आज। लाइट अच्छी आ रही है यहाँ से, नेचुरल ब्यूटी ब्रो स्टन डन डन। और मैंने शरबत आज सवेरे थोड़े बना लिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसे तो कह रहे थे रमज़ान में जो है यू नो सर्दियाँ होगी, जो भी अब रमज़ान आएगा तो उसमें सर्दियाँ होगी, और पिछले मुझे याद है 4:45 तक रोज़ा रखते थे, उसके बाद जो है फिर हम 7:30 नहीं 8:30 हम रोज़ा खोलते थे, 7:45 पे हम रोज़ा खोलते थे। तो ये भी टाइम था रमज़ान में हम ये इफ्तारी करते थे एंड उसका रमज़ान हमारा जाता था। एंड अभी जो है बस 5:15 रोज़ा बंद होता है, उसके बाद जो है 7:45 तक आई थिंक रोज़ा खुल जाता है। उसके अच्छे थे, फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। रमज़ान के अलावा जो है आप फास्टिंग कर सकते हो, फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फास्टिंग आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है, बट जो है आप इफ्तारी फास्टिंग करते हो, इफ्तारी भी जो खा लेते हो ना ये सारी चीज़ें। ये आलू वाले रोज़ा लगवा, रोज़ा लगवा। ये है चीज़ बॉल्स, चीज़ बॉल्स अभी तक चल रही है और ये हम आधे बना रहे, आधे बहुत ज़्यादा हो गए। I'm very far away from this distance we have this, so don't tell me that ye karega lagwa to bole lage ye aapki masti hai, kal mujhe itna laga tha par maine to aise cheekhe nahi mari thi tumhari tarah, sare mein lage tha hum insaan hai yaar, mujhe bolo tu pa to kya tu to pa par mu to aanga cheekhu ko mari hu a lot of time you are still there. गेट ठंडा है ना आज, शेरू ने भी हमारे साथ रोज़ा खाया, नहीं तो पहले खाया नहीं बड़ा जो कि मेरी बहन है। और वो वाले ये खटा है, ये थोड़ा नॉर्मल है, ये है चने Excuse me.